पता नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं अमित। I'm really worried. Don't worry. सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। मुझे इंडिया क्यों भेजना चाहते थे और ये लोग आपकी जान के पीछे क्यों पड़े थे? जैसा तुम समझते हो मैं वैसा आदमी नहीं हूं। मैं आरडी के लिए काम करता हूं। मैं तुम्हारी भाभी के पापा के रियल एस्टेट बिजनेस में काम करता था और एक दिन बिजनेस कोई भी करे कैसा भी करे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी मेरा कंपेटिटर नहीं बनना चाहिए। जो भी कंपेटिटर बनेगा उसे मरना पड़ेगा दोस्त। एक्चुअली मुझे पहले तुम्हें मारना चाहिए था, पर इसकी सक्सेस के पीछे ब्रेन तो तुम हो। तुम्हें मारने से कोई फायदा नहीं होगा और इसके मरने से कोई नुकसान नहीं होगा। फायदे में रहना चाहते हो या नुकसान में? अगर तुमने इसे नहीं मारा तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली को भी मार दूंगा। शूट हिम, शूट हिम, शूट हिम, कम ऑन, शूट, शूट हिम। Shoot him. Good shot. Very good. आरडी ने मुझे धमकी दी थी कि उसका कहा नहीं माना तो मेरी फैमिली को मार देगा। अगर मैंने जॉब छोड़ी तो वो जान ले लेंगे मेरी। बचने का कोई रास्ता नहीं था, उनसे लड़ने की ताकत नहीं थी, और क्या करता मैं? आपको मुझे इस बारे में बताना चाहिए था। मैं तुम्हें कैसे बताता राज? मैं अपने छोटे भाई को जानता हूं। मुझे मुसीबत में देखकर तुम चुप नहीं बैठते, मुसीबत और बढ़ जाती और तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं और तुम्हारी भाभी तो जीते जी मर जाते, समझे तुम? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? कितनी बार कहा है इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहा करो। तुमने अपनी भाभी से पूछा था ना कि हम बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते? ये सवाल सुनकर उनको उनको कितना दुख हुआ जानता है? भाभी आपने बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचा? इस सब की वजह से हमने कभी बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं। उसने ये बात दिल में दबा कर रखी। पिछले 11 साल से नरक झेल रहे हैं हम दोनों। मैं तुम्हें इस नरक की दलदल से बचाता रहा, फिर आरडी ने मुझे तुम्हें मारने को कहा। मुझे? वजह क्या है? आरडी कहाँ मिलेगा?
नहीं राज, तुम उसे नहीं जानते। वो अभी मुझे नहीं जानता। हम यहाँ से इंडिया चले जाएंगे। हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। अब वो हमसे डरेगा, मैं उसकी हस्ती मिटा दूंगा। वो हमें मार देगा। उससे पहले मैं उसे मार दूंगा। वेल डन राजीव, आखिर तुम अपने भाई को मेरे पास ले ही आए। तुम वाकई वफादार। मैं इसे यहां लेकर नहीं आया, ये मुझे यहां लेकर आया है। तेरी वजह से मैंने पैसे गंवाए, रेपुटेशन गंवाई, बिजनेस गंवाया और अब जान भी गंवाएगा। कैसे मारेगा मुझे? आंखों से ख्वाब देख रहा है? कैलकुलेट कर रहा था तुझे कैसे मारूंगा। 8 लोग हैं, 20 सेकंड्स मैक्सिमम। फिगर, स्किन टोन, ब्यूटीफुल। इसको बेचने के बाद तो जिंदगी भर काम ही नहीं करना पड़ेगा, है ना राजीव? तूने मेरे लोगों को मारा एक ऐसी लड़की के लिए जिसे तू जानता तक नहीं। तेरी सबसे बड़ी गलती। क्या मैंने कोई जोक सुनाया? नहीं आरडी, दरअसल मैं सोच रहा था कि बिना बैसाखी के तू कैसा लगेगा। तुझे पता है मेरी ये टांग कैसे टूटी थी? पहली का तो पता नहीं, पर दूसरी मैं तोड़ूंगा। आरडी, ये मेरा शिकार है। तू जानता है मैं कौन हूं? कैसे बच्चों जैसे सवाल कर रहा है? तेरी मां ने नहीं बताया तू कौन है? तेरे अंदर कुछ तो बात है। ये लड़का हमारे बिजनेस में काम आ सकता है। तुम्हारा भाई मर गया, मेरा भाई मर गया, तो इसका भाई जिंदा क्यों बचे? केले हम केले। इंतजार किस बात का? देख आरडी, मैं तुझे दो ऑप्शंस देता हूं। सिगार जलाकर मरना पसंद करेगा या फिर बिना सिगार जलाए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आरडी नहीं, yeah
तूने सोचा होगा आरडी मुझे मार देगा, जिस दिन प्रिया ने तुझे अपना बॉयफ्रेंड बताया था जी तो कर रहा था कि उसी वक्त गोली मार दूं, पर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने आरडी को 2 करोड़ की सुपारी दी। मुझे इसकी लाश चाहिए। प्रिया सिर्फ मेरी है। अगर मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं होगी।
हाँ।